ठीक है, चलो वी हैव कवर्ड कॉपी कमांड राइट, यू गाइस हैव परफॉर्म कॉपी कमांड, यस सर, यस सर, यस सर, ओके। यस सर, चलो कुछ इश्यू यस। आए आपने रिजॉल्व कर लिए, सबका हो गया परफॉर्म, यस सर, ओके यस सर, ठीक है। बाकी के ऑप्शन यूज करके देख रहे हो क्या, जैसे मैंने मैक्स एरर बोला था, वर यू एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, यस सर, ठीक है तो कर लो ठीक है, व्हेन एवर यू गेट टाइम ट्राई टू डू इट, ओके। कल का टाइम मिला था आपको, वैसे कल सेशन नहीं हुआ था हमारा, तो हम लोग आज रेट स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू देर आर टू ऑप्शंस टू लोड डेटा इनटू रेट शिफ्ट, तो पहला ऑप्शन हमने कॉपी कमांड कवर कर लिया, वेयर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेटा टेक्स प्लेस, ओके। बोथ आर सॉर्ट ऑफ स्कीमा ऑन, क्या है स्कीमा इमान ऑन, राइट राइट है ना, राइट राइट, दैट मीन्स कि हम लोग पहले टेबल डिफाइन करते हैं बाद में डेटा लोड करते हैं, ओके। बट इन केस ऑफ रेट्स स्पेक्ट्रम देर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेटा, दैट आई हैव टोल्ड यू राइट। द वे इट वर्क्स इज वी क्रिएट अ एक्सटर्नल टेबल एंड वेन एवर वी क्वेरी ऑन दैट एक्सटर्नल टेबल इट फेचेज द डेटा फ्रॉम S3 इटसेल्फ, ओके। जैसे अथेना में होता था, अथेना में क्या करते थे हम लोग, लॉजिकल टेबल बनाते थे आइदर इन ग्लू ग्लू डेटा कैटलॉग या फिर इसमें क्या बोल सकते हो डायरेक्टली S3 से एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करते थे अथेना में, ओके, बाय स्पेसिफाइंग लोकेशन राइट। तो इसमें भी सेम ही है ठीक है, रेडसी स्पेक्ट्रम और अथेना को आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक इसमें भी हम लोग एक्सटर्नल स्कीमा क्रिएट करेंगे और फ्रॉम ग्लू कैटलॉग और उसमें हम लोग एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करेंगे ठीक है। So, what is Redshift Spectrum? It is a feature of Amazon Redshift that enables you to run SQL queries directly against data stored in your S3 buckets. Very much similar to what we have discussed in Athena, right? Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. The second point is it extends the data warehousing capability of Redshift by allowing you to analyze and join the data from multiple sources. देखो, आपके अगर कुछ हिस्ट्री टेबल्स आपके Redshift स्टोरेज में है फ्रॉम वेयर द डेटा इज बींग कंज्यूम्ड, ओके। अगर आपको और रेडशिफ्ट का स्टोरेज यूज नहीं करना है, यू आज इंक्रीमेंटल लोड हैंडलिंग करते हो आप, उस केस में आप टेम्पररी टेबल स्टेजिंग टेबल्स क्रिएट करके वहां पे डेटा मूव करके उसको हिस्ट्री टेबल से ज्वाइन करते हो राइट। इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट, यू डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम रेडशिफ्ट स्टोरेज, ओके, एंड यू वॉन्ट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑल्सो, तो यू कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम वेयर यू विल फेच द डेटा From S3, you will try to join the data with history tables, okay? And as there is no data which is actually present on Redshift, you don't need to truncate it, ठीक है? Generally क्या करते हैं, copy command से staging table में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, duplication of data ना रहे, इसलिए हम लोग जो staging tables है, समझ में आता है ना staging tables क्या होते हैं? You guys know what are staging tables, यस temporary tables यस और staging tables? सर, हम लोगों ने वो डायग्राम निकाला था, मैंने जो ग्रुप में भी डाला है ठीक है, तो वो हम लोगों को ट्रंकेट करने पड़ते हैं हर बार क्योंकि वी डोंट वांट दैट डेटा इन फ्यूचर ठीक है। डेली का जो इंक्रीमेंटल लोड आ रहा है या फिर 4 आवर्स 5 आवर्स जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो डेटा एक बार हिस्ट्री टेबल्स में लोड होने के बाद यू डोंट वांट दो स्टेजिंग टेबल्स और टेम्पररी टेबल्स टू हैव दैट डेटा राइट, तो हम लोग को ट्रंकेट करना पड़ता है। बट इन दिस केस इन रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम यू डोंट हैव टू डू दैट, यू विल जस्ट पॉइंट टू डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन लोकेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस इट विल हैव ठीक है। देर इज नो एक्चुअल डेटा दैट विल बी मूव फ्रॉम S3 टू रेड शिफ्ट, ओके। सो दैट इज वॉट बींग एक्सप्लेन इन दिस ठीक है, बोथ विद इन योर रेड शिफ्ट डेटा वेयर हाउस एंड एक्सटर्नल डेटा स्टोर्ड इन S3, मतलब अगर इंक्रीमेंटली ज्वाइन करना है आपके रेड शिफ्ट डेटा वेयर हाउस के डेटा में, तो यू कैन अवेल दिस रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम, ओके। व्हाट आर इट्स फीचर्स, आपको लगता है हम लोग फास्ट जा रहे हैं तो बोल देना बस ठीक है। तो हम लोगों को पहले दो पॉइंट कवर हो गए हमारे, समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ या ना बोल दो यस नहीं सर, तो मैं ठीक यस सर, है। चलो तो फीचर्स क्या है, कुछ नहीं है, अथेना जैसा ही है, नॉट वेरी मच डिफरेंट ठीक है। तो हमें कंपैरिजन कहाँ पे करनी है, रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद इसको हमें अथेना से कंपेयर करना है एक बार, और इसको हमें कॉपी कमांड से भी कंपेयर करना है ठीक है।
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन पॉइंट्स. कोई पूछ सकता है कि व्हाई देर आर टू ऑप्शंस, इफ देर वाज कॉपी कमांड हाउ स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है इन व्हाट सिनारियो यू विल यूज अथेना एंड इन व्हाट सिनारियो यू विल यूज रेड सी स्पेक्ट्रम. तो आपके पास एटलीस्ट दो तीन पॉइंट होने चाहिए ऐसे आंसर्स को देने के लिए, ठीक है. एंड विच वन इज बेटर, विच वन हैज बेटर परफॉर्मेंस, तो आपके पास इसका आंसर खुद की खुद से होना चाहिए, ठीक है. यू विल हैव टू फाइंड आउट योर ओन आंसर, ठीक है. तो व्हाट आर इट्स फीचर्स, बेसिकली डेटा इज स्टोर्ड इन S3, ठीक है, इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट इट इज स्टोर्ड, राइट. इन S3 वी स्टोर इन एवरो, पार्के, CSV, JSON, राइट. तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में डेटा स्टोर्ड होता है. वी क्रिएट एक्सटर्नल टेबल्स, एक्सटर्नल टेबल इंटरनल टेबल आपने पढ़ा है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल टेबल द स्कीमा एंड डेटा इज लोकेटेड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स. ओके, तो डेटा हमारा हमारे स्टोरेज में होता है और जो स्कीमा होता है हम कोई जो भी मेटा स्टोर कॉन्फिगर करते हैं उसमें होता है, ठीक है. सो नॉट सो एक्सटर्नल टेबल्स दिस आर नॉट स्टोर्ड इन योर रेडशिफ्ट क्लस्टर बट एक्ट एज अ मेटा डेटा फॉर क्वेरिंग द डेटा इन S3. ओके, समझ में आ रहा है. सो दीज आर द एक्सटर्नल टेबल्स दैट आर देयर ऑन रेडशिफ्ट व्हिच हैज अ मेटा डेटा ओनली एंड यू विल फेच द डेटा फ्रॉम S3 इटसेल्फ. ओके, सो द नेक्स्ट फीचर इज क्वेरिंग. यू कैन रन SQL क्वेरीज दैट जॉइन योर इंटरनल रेडशिफ्ट टेबल्स विथ योर एक्सटर्नल S3 डेटा. वही एक्सप्लेन किया हमने. इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म जॉइन और इफ यू वॉन्ट टू अपेंड एन इंक्रीमेंटल लोड ऑन योर हिस्ट्री टेबल्स इन रेडशिफ्ट एंड योर इंक्रीमेंटल डेटा इज स्टोर्ड इन S3, तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन यू अवेल रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम, यू कैन राइट क्वेरीज विच कैन जॉइन योर इंटरनल टेबल्स on redshift that is history tables with your external tables which will contain your incremental data, right? Yes sir. Yes, clear sir. A point simple hai, sirf yaad rakhna ye cheeze bas, theek hai. And the next feature is performance. Okay, so it optimizes query performance by pushing down filters to S3 data and minimizing data movement. Ye point samajh mein aaya, pushing down filter to S3 data? Yes sir. हाँ समझ में आया ना. हाँ तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, ठीक है. पुशिंग डाउन फिल्टर्स टू S3 डेटा मतलब आप इंक्रीमेंटल डेटा को, ठीक है, आप पहले ही वहां पे ही फिल्टर लगा रहे हो, ठीक है. मतलब आपको आज का डेटा है ना तो आज का ही फिल्टर लगा के आप एक्सटर्नल टेबल में फेच करोगे. मीन्स डेली अगर इंक्रीमेंटल डेटा आ रहा है तो यूर एक्सटर्नल टेबल विल पॉइंट टू डिफरेंट पार्टीशन लोकेशन ईच डे, ठीक है. तो हम लोग रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम में जब एक्सटर्नल टेबल क्रिएट भी करते हैं ना रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम के लिए, तो हम लोग लोकेशन भी ऐसे ही कॉन्फिगर करते हैं विच इज डायनामिक. समझ में आ रहा है ये चीज? व्हाट डू आई मीन बाय दिस डायनामिक? मतलब देखो, कल आपका एक एक्सटर्नल टेबल क्रिएटेड है, आपका एक लोकेशन होगा, मतलब आपका एक जो टेबल है रेडशिफ्ट में एक्सटर्नल टेबल दैट विल पॉइंट टू सम S3 लोकेशन, राइट, विच शुड फेच कल का डेटा, मीन्स 24 तारीख का डेटा. मीन्स 24 तारीख का डेटा विल हैव पार्टीशन इन S3, राइट. लेकिन वही टेबल से मुझे आज ज्वाइन परफॉर्म करना है तो इट शुड पॉइंट टू अ पार्टीशन ऑफ विच डेट? 25th, राइट. सो यू नीड टू मेक इट डायनामिक. मेक सेंस? रोज रोज एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करोगे क्या आप? राइट. तो आप सिर्फ डायनामिक बना दो उस लोकेशन को, तो ईच डे अगर इफ इट इज पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर डेट इट विल फेच द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट इटसेल्फ, राइट. मतलब एक ही दिन का डेटा इंक्रीमेंटली वो फेच करेगा, ठीक है. चलो, तो दीज आर द फीचर्स एंड व्हाट आर बेनिफिट्स. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें है. बेनिफिट्स क्या है? कॉस्ट एफिशियंट है, ऑफकोर्स. देर इज नो एक्चुअल स्टोरेज कंज्यूम्ड इन रेडशिफ्ट, तो S3 है चीपर स्टोरेज देन रेडशिफ्ट, राइट. तो कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही है, ये स्केलेबिलिटी है. S3 इनफाइनाइटली स्केलेबल है, राइट. RMS की अपनी लिमिटेशन है स्टोरेज रिलेटेड, रेडशिफ्ट मैंने स्टोरेज की. S3 काफी इनफाइनाइटली स्केलेबल है, तो यू कैन फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स वेयर द डेटा साइज इज वेरी लार्ज इन पेटाबाइट्स, यू विल प्रिफर दिस फॉर वेरी लार्ज टेबल्स. ओके.
डेटा इंटीग्रेशन सिंपल, ऊपर का ही पॉइंट रिइटरेट हो रहा है यहाँ पे भी, अलाउज यू टू इंटीग्रेट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, लाइक S3 में से आपको अगर डेटा चाहिए टू कंबाइन इट विथ योर रेडशिफ्ट डेटा, तो यही बोल रही है, विदाउट नीड टू मूव और रेप्लीकेट द डेटा, ठीक है. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूट. कैन एनी वन एक्सप्लेन वॉट वॉट डज दिस मीन, सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूट? हेलो सर, यस कैन आई ट्राई? यस यस प्लीज. इन इंटरनल टेबल वी आर स्टोरिंग द हिस्टोरिकल एंड इन रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम वी आर मूविंग डेटा इज स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल टेबल. सो या वी सेपरेटेड द बोथ द स्टोरेजेस एंड देन वी कैन परफॉर्म ऑन द दैट बोथ द स्टोरेज लाइक जॉइनिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन लाइक. यस देखो सिंपल है, आपने स्नोफ्लेक में भी देखा होगा कि इट अवेल्स द स्टोरेज ऑफ योर क्लाउड प्लेटफॉर्म, लाइक इफ यू हैव चूजन अमेज़न, इट इज अवेलिंग द स्टोरेज इंटरनली ऑफ S3, राइट? इन दैट केस द स्टोरेज इज S3 एंड द कंप्यूट कंज्यूम्ड इज ऑफ स्नोफ्लेक, राइट? वर्चुअल वेयर हाउस क्रिएट करते हो स्नोफ्लेक में. आई थिंक दैट दैट इज नॉट कवर्ड येट, बट इट विल बी कवर्ड सून. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूट, द कंप्यूट इंजिन इज यूज, मतलब किसका कंप्यूट इंजिन अब हम लोग यूज कर रहे हैं, रेड शिफ्ट, राइट? मीन्स कंप्यूट इज प्रोवाइडेड बाय योर रेड शिफ्ट एंड स्टोरेज इज प्रोवाइडेड बाय S3, राइट? यू हैव सेपरेटेड द कंप्यूट एज वेल एज कंप्यूट एंड स्टोरेज, मेक सेंस? अगर आप इंटरनल टेबल क्रिएट कर रहे हो तो स्टोरेज भी आपका रेड शिफ्ट है, कंप्यूट भी आपका रेड शिफ्ट है, ठीक है? तो एक ही सर्विस आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रही है, मतलब इन दैट केस देर इज नो सेपरेशन. बट इन दिस केस स्टोरेज इज प्रोवाइडेड बाय S3 एंड कंप्यूट इज प्रोवाइड बाय रेड शिफ्ट, तो इसलिए सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूट बोलते हैं हम लोग. दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूट इन योर स्नोफ्लेक ऑल्सो, ठीक है? आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है तो ये तो चीज पता होगी आपको, यस ठीक है ना? सेपरेशन ऑफ स्टोरेज एंड कंप्यूटर. चलो, तो थियरी में ऐसे कुछ नहीं है, आपको स्पेक्ट्रम की कॉन्सेप्ट तो समझ में आए ना. वी जस्ट क्रिएट एक्सटर्नल टेबल, क्वेरी द डेटा, फेच दैट डेटा एंड ज्वाइन इट विथ आर रेडशिफ्ट स्टोर्ड डेटा, ठीक है? चलो लेट्स मूव टू डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, सो आई हैव दिस सर्वरलेस वर्क ग्रुप क्रिएटेड. ओके, तो हम लोगों ने किया है ना, सर्वरलेस कैसे क्रिएट करते वो देखा है ना, फिर से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है, कर लोगे, वो कर लिया होगा ना आप लोगों ने? यस यस सर, सर, वी हैव यस डन सर, इट. यस सर, चलो, यस सर, तो यस सर. यहाँ पे मैंने जैसे बोला अभी, तो यू नीड टू क्रिएट एक्सटर्नल टेबल, उसके पहले आपको एक्सटर्नल स्कीमा बनाना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि डेटा आप एक्सटर्नली हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल स्कीमा बनाना पड़ता है, ठीक है? तो जैसे अथेना में हम लोग ग्लू डेटा डेटा कैटलॉग से लॉजिकल टेबल और डेटाबेस फेच करते थे, इन रेडशिफ्ट स्पेक्ट्रम ऑल्सो फॉर दिस विल बी क्रिएटिंग एक्सटर्नल स्कीमा. ओके, देर आर टू ऑप्शन वाइल क्रिएटिंग स्कीमा, इफ यू कैन सी इट, देर इज लोकल स्कीमा एंड देर इज एक्सटर्नल स्कीमा. विल बी क्रिएटिंग एन एक्सटर्नल स्कीमा, ओके, विल गिव नेम एज सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा. चलो, EXT स्कीमा दे दिए इसको नेम.
Hi, are you guys able to hear me? यस यस सर, सर, यस सर, हेलो. ओके, ठीक है. यस तो सर, मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, इसीलिए ओके, मुझे होस्ट बना दो. आई स्टार्ट शेयरिंग. हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, राइट? विल बी क्रिएटिंग दिस एक्सटर्नल स्कीमा. यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, राइट? यस सर, यस सर. चलो, तो विल चूज एनी डेटाबेस. ओके, हम लोगों को सिर्फ एक लॉजिकल डेटाबेस चाहिए, तो हम लोग, चलो इसको ओरेकल डीबी को चूज कर लेते हैं. विल हैव टू चूज अ रोल विच विल प्रोवाइड परमिशंस. ओके, तो क्रिएट स्कीमा करते हैं अभी. एज इंटरनेट इज स्लो, इट विल टेक सम टाइम आई गेस. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या ओके, ठीक है. तो इंटरनेट की वजह से कुछ इश्यू आ रहा था शायद. क्रिएट यस, दिस स्कीमा हैज बीन क्रिएटेड. ओके, तो हम लोग अभी ना, एज एज आई टोल्ड यू, एक्सटर्नल स्कीमा क्रिएट करने के बाद हमें एक्सटर्नल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो एक्सटर्नल टेबल का सिंटैक्सेस पता है सबको? एम आई ऑडिबल? ठीक यस सर, यस सर. है. एक्सटर्नल टेबल, अगर आपको सिंटैक्सेस नहीं पता है ना, तो चैट जीपीटी से ले लो, क्या करना है वो, ठीक है? यू जस्ट नीड टू रिप्लेस योर कॉलम नेम्स. ओके, तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? आई हैव ट्राइड दिस, ठीक है, फॉर नोट्स, नोड्स नाम के टेबल के लिए, ठीक है? ये ट्रैफिक डेटा में नोड्स करके टेबल था ना, तो इफ यू डोंट नो द सिंटैक्सेस, यू कैन डायरेक्टली फेच इट, डायरेक्टली सर्च इट ऑन चैट जीपीटी और कहीं से भी देख लो. सिर्फ आपको ना डेटा टाइप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. देखो, सिंटैक्सेस याद रखना ये आपका काम नहीं है. जो आप जब काम भी करोगे ना, तो आपको कोई प्रेशर नहीं रहता है ये कि आपको सिंटैक्सेस याद रहे. इंटरव्यू में भी कोई आपको टेबल क्रिएशन के सिंटैक्सेस नहीं पूछता है. पूछता क्या है,
रिगार्डिंग द ऑप्शंस लाइक सर्डे प्रॉपर्टीज अगर किसी ने पूछ लिया, या फिर टेबल प्रॉपर्टीज होती है हाइव टेबल्स में, ठीक है, व्हाट आर दोज, क्या क्या होता है उसमें, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप सिंटैक्टिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो इन दिस पार्ट, दैट इज ओके, क्योंकि इसको टाइम लगता है सिंटैक्सिस करेक्ट आने में, ठीक है। और ये ऐसे सिंटैक्सिस बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर, इफ इफ यू कैन रिमेंबर दैट इज वेल एंड गुड, बट यू नीड टू नो कि डेटा टाइप्स कौन कौन से है रेडशिफ्ट में, लाइक बिग एंड, डबल प्रिसीजन, मैंने बोला था आपको फ्लोट नहीं है यहाँ पे, डबल प्रिसीजन है। तो विल कॉपी दिस, ठीक है, क्रिएट एक्सटर्नल टेबल सिंटैक्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक्सटर्नल कीवर्ड रिप्रेजेंट्स योर एक्सटर्नल टेबल, राइट। इफ इफ यू आर क्रिएटिंग इंटरनल टेबल, यू डोंट हैव दिस कीवर्ड, राइट। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओके। यहाँ पे स्कीमा डॉट टेबल नेम डालना पड़ता है, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ वर्क ग्रुप और डेटाबेस सिलेक्ट किया है, एंड देर आर टू स्कीमा, वन इज पब्लिक स्कीमा एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल स्कीमा, राइट। यू हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन योर स्कीमा नेम, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री में भी, कि टेबल नेम्स को रेफर करते समय स्कीमा नेम से ही रेफर करते हैं हम लोग, स्कीमा डॉट टेबल, ठीक है, क्योंकि हर अलग अलग यूटिलिटी के लिए हम लोग अलग अलग स्कीमाज बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, जनरली रेफरिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड ऑल, ठीक है, ये बात समझ में आई है सबको? यस सर, यस सर, अगर आपको सिंटैक्सिस नहीं पता है एक्सटर्नल टेबल ये वगैरह, दैट इज ओके, ठीक है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए कि अगर सिंटैक्स कहीं से कॉपी भी करते हो, हाउ टू मेक मॉडिफिकेशन टू इट अकॉर्डिंग टू आर नीड, ठीक है, वेदर दैट सिंटैक्स इज करेक्ट और नॉट, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी ये टेबल के क्रिएशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। अगर समझो चैट जीपीटी ने कुछ भी दे दिया, यहाँ पे कॉमा दे दिया समझो इसको, ठीक है, देता नहीं है वो वैसे, लेकिन दे दिया, आपको अंडरस्टैंड तो होना चाहिए कि यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है। आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो बाद में, या आर यू श्योर, कैन यू मेक अ करेक्शन टू दिस, इट इज गिविंग मी दिस एरर, ठीक है। तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नो नीड टू रिमेम्बर एनी सिंटैक्सिस और समथिंग लाइक दैट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रेडशिफ्ट डेटा टाइप्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडशिफ्ट में सबसे ज्यादा इश्यूज कनेक्शन में आते हैं स्पेक्ट्रम एरर्स। स्पेक्ट्रम एरर्स आर कॉज ड्यू टू डेटा टाइप मिसमैचेस, ठीक है। डेटा टाइप मिसमैचेस क्यों? इफ यू सी इन हाइव यू हैव डिफरेंट डेटा टाइप नेम्स, लाइक फॉर देर इज डेटा टाइप इंट टू, इंट 64, ऐसे डेटा टाइप्स है वहां पे, ठीक है, फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है, यहाँ पे वैसे डेटा टाइप नेम्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन से डेटा टाइप नेम्स है? बिग इंट है, इंटीजर है, फ्लोट के लिए डबल प्रिसीजन है, फॉर स्ट्रिंग वैरकर होता है, ठीक है। तो आपको जब भी आप कन्वर्जेंस करते हो या फिर कनेक्शंस बनाते हो, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको कि देखो, सिंपल सिनारियो बताता हूँ आपको। आपका अगर एक हाइव टेबल है या फिर स्पार्क टेबल है, ठीक है, आपके कोई क्लस्टर पे है, ठीक है, तो उसके जो डेटा टाइप्स है, मतलब उसका टेबल डेफिनेशन होगा कॉलम एंड डेटा टाइप नेम। आप हर बार तो मैन्युअली टेबल डेफिनेशन रेडशिफ्ट में नहीं करोगे। इन जनरल इन पाइपलाइंस एंड वर्क फ्लोज वॉट दे डू इज दे फेच द स्कीमा डेफिनेशंस फ्रॉम योर हाइव टेबल और स्पार्क टेबल, ठीक है। वहां से हम लोग कॉलम नेम उठाते हैं और डेटा टाइप उठाते हैं, और उसमें डिक्शनरी मेंटेन करते हैं कोड में, अंडरस्टैंड कि हाइव टेबल में अगर इंट 64 है तो उसका मैपिंग होना चाहिए इन रेडशिफ्ट टेबल टू इंटीजर। अगर और कोई है इंट, मतलब समझ रहे हो क्या आप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है। किसी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है, चलो, प्लीज। व्हाट आई एम ट्राइंग, हाँ ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो, आप जब डेटा मूव कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम S3, ठीक है,
S3 में जब डेटा है आप उस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए आप कुछ ना कुछ हाइव टेबल या फिर स्पार्क टेबल बनाओगे, ठीक है, डेटा फ्रेम या जो भी है, ठीक है, तो उसमें एक स्कीमा डेफिनेशन होगी लाइक योर कॉलम नेम एंड योर डेटा टाइप, राइट। आप हर बार रेडशिफ्ट में मैन्युअली टेबल क्रिएशन तो नहीं करोगे या फिर इंसर्ट तो नहीं करोगे, व्हाट यू डू इज यू फेच कॉलम नेम एंड डेटा टाइप फ्रॉम दैट टेबल इटसेल्फ, हाइव टेबल इटसेल्फ। हम लोग कॉलम नेम को सेम ही रखते हैं और उसके डेटा टाइप को फेच करने के बाद उसको हम लोग रिलेवेंट रेडशिफ्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। हाउ डू वी डू दैट? देयर कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस। इन माई केस वी मेंटेन अ डिक्शनरी ऑफ ऑल द डेटा टाइप दैट वी आर यूजिंग इन हाइव टेबल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेडशिफ्ट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल टेबल का सिंटैक्स भी है ना, वो भी हम लोग डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं बाय रेफरिंग टू योर हाइव टेबल्स। अभी समझ में आया? यस सर, सर क्यों हम लोग अब इतनी इतनी मतलब झंझट क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्या कांट वी यूज सेम स्कीमा डेफिनेशन ऑफ हाइव टेबल्स इन रेडशिफ्ट? कैन वी यूज? बोलो बोलो। रेडशिफ्ट हैज इट्स ओन डेटा टाइप्स सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम लोग नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हाइव के डेटा टाइप्स अलग है और रेडशिफ्ट के डेटा टाइप्स अलग है। तो यू नीड टू प्रोवाइड रिलेवेंट डेटा टाइप्स ऑफ रेडशिफ्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ टेबल ऑन रेडशिफ्ट। समझ गए? तो दैट इज हाउ इन जनरल we handle creation of tables on Redshift also, ठीक है, when we are trying to load the data, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है external table creation में, this is schema name, external schema जो हमने create किया है, dot table name, ठीक है, this will be your table name that you want in your Redshift, ठीक है, these are your columns, तो relevant data type समझने हैं बस, ID एक begin है, long एक double precision है, latitude एक, ये longitude और latitude है शायद, है ना, और लैटिट्यूड एक डबल प्रिसीजन है, ओके। ये रो फॉर्मेट सर्डे क्या है, ये आपको जब एक्सटर्नल टेबल इंटरनल टेबल हाइव में कॉन्सेप्ट करोगे ना, ये आपको समझ में आएगा ये सर्डे फॉर्मेट्स क्या होते हैं, सीरियलाइजर डिसीरियलाइजर के फॉर्मेट होते हैं ये, ठीक है। तो ये सर्डे प्रॉपर्टीज, ये किया है क्या आप लोगों ने, हाइव के टेबल्स की अंडरस्टैंडिंग की है क्या एक्सटर्नल टेबल्स की? कितने लोगों ने किया है वैसे? Have you guys searched about this thing? What is row format SERDE? What are SERDE properties? Why do we require SERDE? कितने लोगों ने किया है? मैं पूछूंगा नहीं, at least I need to understand कि आप कर रहे हो या नहीं। सर मैं एक्सटर्नल ऑडिबल? इंटरनल टेबल किया है सर्डे, और ये हाँ करना बोलो बाकी, बोलो। सर्डे वगैरह करना बाकी है, इंटरनल टेबल एक्सटर्नल टेबल देख लिया था। हाँ मतलब ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक्सटर्नल टेबल के पूरे डिटेल कमांड को चैट जीपीटी पे डाल दो, उसको बोलो कि प्रोवाइड मी अ डिटेल एक्सटर्नल टेबल कमांड फॉर हाइव टेबल्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तो उसको सिर्फ उसके नोट्स बना दो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर किसी ने पूछा व्हाट इज दिस रो फॉर्मेट सर्डे, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, यू नीड टू आंसर देम, ओके। आप जब परफॉर्म कर रहे हो ना, आपको रेफरेंस के लिए ये मिल जाता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। इफ यू नो व्हाट व्हाट यू वांट टू डू, देर आर मेनी रिसोर्सेस अवेलेबल ऑनलाइन, ओके। लेकिन इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन वेरी डेप्थ, ठीक है। चलो ये कर लो खुद के एंड से। आई क्रिएट टेबल, ओके, थिंक दिस इज, तो यहाँ पे लोकेशन आपका क्या रहेगा ये याद रखना बस, जैसे आप क्रॉलर में आपका सब डायरेक्टरी तक का पाथ देते हो ना, यू डोंट प्रोवाइड एग्जैक्ट फाइल पाथ, राइट। इफ यू सी नोड्स फोल्डर तक का पाथ दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर मेरी फाइल्स होंगी। व्हाई डू वी डू दिस? मतलब यहाँ पे अगर कोई सब डायरेक्टरीज होगी या फिर डबल बहुत सारी फाइल होगी सेम स्कीमा, this will be read as single table only, ठीक है। If you want to read a particular partition, अभी थोड़ा ध्यान दो,
चीजों पे। ठीक है, समझो नोट्स टेबल में रोज अलग अलग डेटा आ रहा है, ठीक है, विथ डेट पार्टीशन, राइट। तो आपको, यार ये बहुत टाइम ले रहे हैं, हाँ, ये नोट्स टेबल में रोज अलग अलग डेटा आ रहा है इन डेट पार्टीशंस, राइट। तो आपका जो पाथ रहेगा, इफ यू सी, इफ यू क्रिएट दिस टेबल वन, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे रख लो, 2 23, आज की तारीख क्या है, 1025, हाँ ठीक है, ऐसा कोई आपका डेट पार्टीशन है, समझो, ये समझ में आ रहा है ना, 25 10 2023, ऐसा डेट है ये, 25th of October 2023, ठीक है। अगर ऐसा फोल्डर नेम है हमारे इसमें, ठीक है, इसके लिए अलग अलग डेट के फोल्डर्स हैं हमारे यहाँ पे, हमें रोज इंक्रीमेंटली एक ही फोल्डर करना है, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अ डायनामिक पाथ, राइट। हाउ यू कैन डू इट, कैन कैन एनीवन टेल मी, लॉजिकली कैसे कर पाओगे आप, बताओ। यू जस्ट हैव टू एड दिस डेट वैल्यू हियर, राइट, एज अ फोल्डर नेम। ये पार्टीशन मतलब कैसे मेंटेन होगा, मतलब डेट डेट इक्वल टू दिस रहेगा, राइट। ये हमने ऐसे तो क्रिएट कर लिया फोल्डर, लेकिन पार्टीशन कैसे मेंटेन होता है, डेट या फिर डेट मतलब कॉलम नेम इक्वल टू इट्स वैल्यू, राइट। ये पूरा एलियन फीलिंग आ रहा है क्या आपको, पार्टीशंस वगैरह देखे नहीं है क्या हमने, रुको मैं दिखा देता हूँ, आई डोंट नो, हाँ या ना क्यों नहीं बोल रहे हो, देखे सर, पार्टीशंस वगैरह नहीं देखे हमने, देखे हाउ सर, पार्ट जैसे वो देखा है सर, डेटा पार्टीशंस आर लोग मेंटेन, दिखा देता हूँ मैं आपको, जो लोग को टाइम नहीं मिलता है ना बिल्कुल भी पढ़ने के लिए, उनको दिखाना पड़ेगा, बहुत लोग बिजी है। ये देखो, डेटा लोड इक्वल टू दिस, दिस इज योर पार्टीशन, राइट, दिस इज योर पार्टीशन फॉर्मेट, समझ में आ रहा है। तो आपको ये यस कंस्ट्रक्ट यस करना पड़ेगा, कैसे करोगे कंस्ट्रक्ट, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज। यहाँ पे लिख लोगे डेटा लोड इज इक्वल टू, लेकिन ये वैल्यू कैसे जनरेट करोगे यार, सिंपल है यार, आज की डेट की वैल्यू जनरेट नहीं कर पाओगे क्या आप, पाइथन में डेट टाइम फंक्शन वगैरह पढ़े नहीं है क्या आप लोगों ने, यस पढ़े है ना, आपका यस एनवायरनमेंट किसी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ड्रिवन होगा, वहां पे आप लोग ऐसे किसी भी ये क्वेरीज, जैसे हम लोग इसमें फायर कर रहे हैं ना, हम लोग रेड शिफ्ट के क्वेरी ब्लॉक में, ये ऐसे नहीं होता है, आपका कोई भी एनवायरनमेंट ड्रिवन होता है, लाइक इन माय केस इट इज पाइथन ड्रिवन, ओके। तो हम लोग इसमें सिक्वल की क्वेरी बाय यूजिंग साइकोपीजी टाइप ऑफ कनेक्शन हम लोग रन करते हैं, राइट। जब पाइथन में क्वेरी, पाइथन में आपकी पाइपलाइन लिख रहे हो, तो वहां पे डेट टाइम से आप डेट मैनेज कर पाओगे या नहीं, करंट डेट यस कर कर पाओगे सकते ना, हैं, हाँ या ना बोल दो, समझ में आ रहा सर है क्या, ठीक यस है यस सर चलो। अरे मुझे कैसे समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं, हाँ या ना कोई बोल नहीं रहा था इसलिए, ठीक है। सो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो डायनामिकली पाथ वैसे देंगे हम लोग, ठीक है। और कौन सी फाइल ली थी हमने, वहां से वो मुझे फोल्डर हटाना है, ओके चलो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपर सब डायरेक्टरी तक का पाथ देना है, ठीक है, इन केस ऑफ हैंडलिंग इंक्रीमेंटल लोड यू विल प्रोवाइड पार्टीशन पाथ, उसके अंदर की जो भी फाइल्स रहेगी दैट विल बी रेड एज एन डेटा इन एक्सटर्नल टेबल, ओके। और सो विल एग्जीक्यूट दिस थिंग, इट विल टेक सम टाइम आई गेस, इंटरनेट स्लो है, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, हाँ पे टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट,
इसको ड्रॉप कर देते। ठीक है, तो हमारा टेबल तो क्रिएट हो गया है। इफ यू वांट टू क्वेरी यू कैन सी द टेबल हियर। ओके, सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग फॉर पब्लिक स्कीमा, यू हैव दिस नोड्स टेबल, यू कैन क्वेरी दिस टेबल नाउ। ओके, तो आपको लाइक स्टार फ्रॉम एक्सटर्नल अंडरस्कोर स्कीमा डॉट नोड्स। ओके, ठीक है। अब कोई कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा है यहाँ पे, कोई इश्यू है? ठीक है, दैट आई वॉन्ट यू टू पॉइंट इट आउट। यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी दिख रही है हमें जो डेटा फेच हुआ है? करेक्ट है क्या? सो दिस इज फर्स्ट व्हाट वी वांट। नल वैल्यू सर, नल वैल्यू नल वैल्यू इसको फर्स्ट मैं, हेडर। कोई बता सकता है वो वैसा रिकॉर्ड क्यों आया है? फर्स्ट रिकॉर्ड, थोड़ा थोड़ा भी माइंड अप्लाई कर लिया ना आपने, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आप जो सोच रहे हो ना वही है। रिमूव हेडर क्यू क्या क्या? टू तो हेडर्स इन फर्स्ट दैट वाइज, अरे फाइल बोलो यार, बराबर बोल रहे थे। क्यों एग्जैक्टली हमने स्किप हेडर कहाँ पे इग्नोर किया है हेडर। इसमें? इग्नोर हेडर ओके नहीं किया है ना। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, जब आप कर रहे हो ना, तो इस एक्सटर्नल टेबल में इग्नोर हेडर का सिंटैक्स ऐड करो। कैसे करना है, क्या करना है, यू हैव टू फिगर इट आउट। व्हेन यू आर डूइंग दिस, ट्राई टू एक्सप्लोर फ्यू मोर ऑप्शंस फॉर एक्सटर्नल टेबल्स। ठीक है, और क्या ऑप्शंस होते हैं? लाइक यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सर्डे प्रॉपर्टी, रो फॉर्मेट, सर्डे लोकेशन। देर हैज टू बी सर्टन मोर ऑप्शन इन एक्सटर्नल टेबल्स। तो आपको ना वो एक्सप्लोर करने हैं और अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, एंड वेन यू आर परफॉर्मिंग दिस, यू नो वॉट इश्यू इट इज कॉजिंग, राइट? आई डोंट वॉन्ट दिस इश्यू एनी मोर। तो आप लोग को सिर्फ इग्नोर हेडर का जो भी ऑप्शन है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके परफॉर्म करना है। समझ में आ रहा है? हम लोग यस कैसे सर। करते थे हाईवे स्पार्क में, स्किप हेडर लाइन इक्वल टू वन ऐसे वगैरह करते थे, या फिर कहीं पे हमने इग्नोर हेडर वन ऐसा भी लिखा है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल टेबल में सिंटेक्स क्या है वो आपको फिगर आउट करना है। व्हेन यू आर डूइंग दैट, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द एक्सटर्नल टेबल कमांड इन डिटेल। ओके, ये क्यों करने बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल टेबल कमांड डिटेल में क्यों करने बोल रहा हूं? क्योंकि आपको ना आपके टेबल में और क्या ऑप्शंस होते हैं व्हेन यू आर फेचिंग डेटा फ्रॉम S3 इटसेल्फ वो पता होने चाहिए। दैट विल बी हेल्पफुल व्हेन यू आर मतलब जब भी आप इंक्रीमेंटल टेबल को लोड करोगे, ठीक है, फॉर हैंडलिंग योर इंक्रीमेंटल डेटा और अपेंडिंग और इंक्रीमेंटल डेटा, इफ यू रिक्वायर सर्टेन फंक्शनैलिटी, लाइक ये चीज नहीं चाहिए मुझे, ऐसे टाइप में नहीं चाहिए टेबल मुझे, रेड शिफ्ट में, तो आपको वो ऑप्शन अगर पता होंगे ना, तो यू विल एबल टू मतलब यू विल एबल टू हैंडल सच टाइप ऑफ सिनेरियोस। ठीक है, एटलीस्ट फिगर आउट टू टू थ्री ऑप्शन। ठीक है, कैन यू डू दैट? यस यस सर सर। ठीक है, कर सर लोगे? सर हम लोग को समझ में आया है कि सर कॉपी कमांड और रेड स्पेक्ट्रम क्या है? सिंपल है चीज है, इसमें यस कोडिंग लॉजिक कुछ भी नहीं है। मैं एज आई टोल्ड यू, ठीक है, आपकी AWS में ना कोडिंग जो भी है या फिर लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन जो भी है ना, वो रिलेटेड टू पाइथन है या फिर पाइस्पार्क है या फिर सिक्वल है। तो यहाँ पे हम लोगों को चार टेबल लोड करके, उस पर ज्वाइन लगा के, उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करके, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना इलॉजिकल बात है, दैट यू कैन डू। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी मतलब AWS क्लाउड में सबसे इम्पोर्टेंट है योर कॉन्सेप्ट्स, लाइक हाउ यू विल अपेंड द डेटा इन रेड शिफ्ट, व्हाट आर द वेज टू लोड द डेटा इन रेड शिफ्ट। ठीक है, तो उसमें और कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो क्या? कॉपी कमांड में मैक्स एरर है, ठीक है,
या फिर एनक्रिप्शन के लिए एनक्रिप्टेड कीवर्ड है, और देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. दोज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स. ओके, आपका डेमोन्स्ट्रेशन इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है. यू कैन लोड मल्टीपल टेबल्स बाय क्रिएटिंग एक्सटर्नल स्कीमा, एक्सटर्नल टेबल्स. ओके, और उसमें क्वेरी करके देख सकते हो, लेकिन वो तो आपने सिक्वल में भी किया है. हाउ इट इज डिफरेंट हियर, राइट? तो यहाँ पे आपको ना ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा लेना है, ठीक है? ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिकली चीजें करके देखनी है, ठीक है? यू विल ऑल्सो हैव टू गो थ्रू बोटो थ्री पार्ट ऑफ रेडशिफ्ट ऑल्सो. विल हैव अ लुक एट इट बाद में, ठीक है? लेकिन आपको खुद से भी उसमें इंडल्ज करना है. समझ में आया? यस सर, चीजें और मैं क्या बोल रहा हूँ वो कर पाओगे? चलो ये बता दो मुझे, आज की चीजें लाइक इग्नोर हेडर की चीजें इंप्लीमेंट करके देखो, एंड व्हाइल डूइंग दैट एक्सप्लोर फ्यू ऑप्शंस फॉर एक्सटर्नल टेबल आल्सो, बिकॉज मैंने ये एक्टिविटी ऑप्शनल करके दी थी, लेकिन वी रिक्वायर इट, ठीक है, इन रेडशिफ्ट. तो ये मैंडेटरी एक्टिविटी है. अभी एक्सटर्नल टेबल की डिटेल्स जाके देखना है आप, ठीक है? ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. आई विल आस्क क्वेश्चंस अराउंड इट. ओके, तो मुझे चाहिए वो आपकी तरफ से, और वो टाइम मिलता है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू बोटो थ्री फंक्शंस आल्सो, ठीक है? एटलीस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू बोटो थ्री फंक्शंस, ठीक है? बोटो थ्री देख लेना. बोटो थ्री डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, क्लाइंट तो बनाना पता ही है आपको. व्हाट आर डिफरेंट बोटो थ्री फंक्शंस फॉर रेडशिफ्ट दैट आर अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू लुक एट इट. वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम होते हैं, ठीक है? उसको इम्प्लीमेंट करना तो बात की बात है. यू शुड जस्ट नो एटलीस्ट देर आर सर्टन फंक्शन रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एक्सटर्नल टेबल ऑन रेडशिफ्ट, और कॉपी कमांड के लिए कोई फंक्शन है, या फिर और बहुत सारी चीजें, ठीक है? या फिर आपको क्लस्टर प्रोविजनिंग के लिए कोई एक फंक्शन है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, ठीक है? तो हम लोग कोई डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उसके पहले आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ रेडशिफ्ट, लाइक व्हाट वी हैव कवर्ड, लाइक आर्किटेक्चर, और क्या किया था हमने, बेसिक थियरी ली थी हमने थोड़ी बहुत, और उसके बाद हमने कॉपी कमांड लिया था, अभी स्पेक्ट्रम कवर किया आज हमने, और आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू सर्च बिट अबाउट बोटो थ्री ऑल्सो. ओके, तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए कल, ठीक है? हो जाएगा? यस सर. यस सर. कितने लोग कॉन्फिडेंट है कल तक ये कर पाओगे आप? हैंड रेस करो. ठीक है, चलो दैट्स अ गुड नंबर. चलो फिर अगर कोई डाउट नहीं है इसमें तो वी कैन स्टॉप द सेशन. ओके, आपको ये समझ में आया ना रेड स्पेक्ट्रम में क्या क्या करना है? कैन एनी वन एक्सप्लेन दिस थिंग टू मी? मतलब क्लास को बताओ कि हमने अगर रेड स्पेक्ट्रम अवेल करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? Can anyone do that for me?